होप आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे एंड वेलकम टू आवर वर्ल्ड एंड वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में स्पेशल ये है वो आपको नितिन जी बताएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बताया कि अभी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हैं, तो आज हम जा रहे हैं हमारे गुरुओं के, जो वृंदावन में उनका मंदिर है, तो वहाँ पे आए हुए हैं। तो इस वजह से आज हम सब विद पूरी फैमिली वृंदावन जा रही है, तो हमारे साथ आप लोग भी चलिए और आप लोगों को वहाँ का सब कुछ दिखाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों का जो प्लान है वो अचानक से ही बना है, हमें भी नहीं पता था कि हम लोग जाने वाले हैं। ये कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है ना आपका कहीं से, मंदिर से, कहीं दरबार से, तो आपको पता नहीं लगता कब फट से निकल पड़ते हैं, तो यही आज हमारे साथ हुआ है। तो चलिए वृंदावन चलते हैं। अभी आपको गाड़ी में बैठे हुए कितनी देर हुई है? 2 साल हो गए। तो फिर अभी से आपको पहुंचने के भी लग गई है? पहुंच गए। वो बोर्ड अब जा रहे हैं का घर। देखो मामा न्यूज़पेपर पढ़ रही है। कहाँ जाना है वहाँ से? येरी। देखो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बरसाना। हम अलवर से निकलते हैं और यहाँ वृंदावन की तरफ जाते हैं, तो बरसाना गांव बीच में पड़ता है जहाँ की हमारी राधा रानी थी। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ लेकिन मैं बाहर से ही दिखा पाऊँगी, तो चलते हैं। और अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात कर ली जाए, तो चलते हैं और बरसाना दिखाती हूँ मैं आपको आगे। देखिए भाग्य को, अभी मैंने सीट चेंज कर ली है क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पापा चले गए हैं पीछे और मैं आ गई हूँ आगे। ये आ गया हमारा राधा कुंड गोवर्धन। रास्ता बंद था। अच्छा अच्छा, वो वाला रास्ता बंद था, नहीं तो हम लोग आपको गोवर्धन भी दिखाते। बंद कर रखा था पर भीड़ की ज्यादा की वजह से। अच्छा अच्छा, मंदिर वहाँ का दिखाती पर हम लोग निकले ही थे कि हमें वहाँ का रास्ता बंद मिला और हम वहाँ नहीं जा पाए, तो उसके लिए सॉरी गाइस। अब मिलते हैं हम आपसे सीधा वृंदावन। देखिए ये है यमुना नदी, यमुना नदी को क्रॉस करते हुए अब हम निकल पड़े हैं वृंदावन के लिए। महाराज जी के पास जा रहे हो ना अब जय करने के लिए? धूप आ गई इसके ऊपर। गाड़ी अपन को यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, पड़ेगा। वृंदावन में बहुत भीड़ है इस टाइम पर, तो अभी हमें गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगानी पड़ेगी, अंदर नहीं जाने दे रही है गाड़ी को लेकर। तो ये हम आ गए हैं पार्किंग में, यहाँ करते हैं गाड़ी पार्क और यहाँ से हम लोग करेंगे ई रिक्शा मंदिर जाने के लिए। मैं लगा के आता हूँ, एक बैग ले लो, बाकी पीछे सामान निकाल लो। इतनी भीड़ है। अभी हम आपकी बात कर रहे थे, मैंने कहा सही जगह पे आ गए आप। किधर गए? ओ विक्की आ रहे ना, कहंदा फूल माला ले आओ। कितु मिली? मिली अंदरों लेके आई हैं। जय करो भागे। ना ना अब अंदर पड़े ना। हमारी जो बुआ है वो मंदिर में ही रहती है, यानी कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, वो यहीं
रहती हैं, तो उन्हें ये रूम मिला हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं थोड़ी देर के लिए। शाम को हमें वापस भी निकलना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ आपको दिखाएंगे और उसके बाद घर चलते हैं। यहाँ सब लोग नाश्ता करते हैं और ये तैयारी हो रही है यहाँ पे, और ये अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे आके ठहर भी सकते हैं। आ जाओ भाग्य, नोनो कौन है ये? नोनो बुआ है, बुआ बुआ दादी। अब हम आपको अलवर भी ले चलेंगे, चलो चलना, चलो ठीक है। और तो रुका ना एक दो दिन, बस एक दो दिन सही है, और तो क्या कहना क्या हो दे एक दो दिन है ना। अच्छा रुक सी, हाँ रहेगा एक दो दिन शायद रहेगा, महाराज जी ने बुलाया है बहुत भीड़ है। नोनो मजा आ रहा है, अच्छा लग गया आपको? अच्छा लगा यहाँ पे आके, खुश हो गया मेरे बाबू। भाई हो रही है, अच्छा उनसे लिया हुआ है, इन्होंने इनसे लिया हुआ क्या, और आपको और बुजुर्ग थे चलते थे, अरे हाथ नहीं लगाने देते थे पैरों को, कोई हाथ तो छू ले गुस्सा हो जाएगा। बड़े वाले महाराज जी ले नहीं सकते थे, दूसरों के दुख इनके पैरों पे आ जाते हैं, ये फौजी टाइप में ना, फौजी में पैर नहीं छूने देते थे किसी को भी, अपने दूर से थोड़ी बहुत सेवा कर लेती हूँ, बाकी भजन करते हैं। अच्छा टाइम पास हो जाता है? हो जाता है आराम से, ये यहाँ की धरती ऐसी है, यहाँ पर कोई लोग ऐसे नहीं आएंगे, जो आएंगे वो भजन ही करने आएंगे। ब्रिज है, ब्रिज है, ब्रिज ये ब्रिज है ये। चलो एक भजन सुना दो इसी बात पे। सरकार की जय, कभी कभी आओगी शाम कब अलग ही पेड़ है, सब झुकी हुई है, वो गोपी हैं।
वो सब होती हैं। और रात साक्षात जय करो। ले लो अब अच्छा लग रहा है यही टमाटर जय बाबा महाराज यही हूँ मैं सेवा बता देना बनाए रखो महाराज जी बस देखे हमारे महाराज जी उन्हें देखकर ही आंखों में पानी आ जाता है ये पता नहीं कि क्यों दिल का रिश्ता होता है शायद तो क्या नहीं कहाँ जा रहे हैं फिर अब कहाँ जा रहे हैं घर पे मथुरा वृंदावन आए और कहीं नहीं घुमाया नहीं मौसम खराब है बच्चे साथ में फिर कभी आए फिर कभी आए हमें मिल ली थी वो मिल गई है महाराज जी का आशीर्वाद और भाग्य को भी मिल गया है और भविष्य को देखिए सो रहे हैं इन्होंने अपनी सारी नींद यहीं पर पूरी कर ली है और ये बाहर अभी लंगर चल ही रहा है हम लोगों ने ले लिया है सबने लंगर तो अभी घर के लिए चल पड़े हैं और ये देखिए ये जो सारे रूम्स बने हुए हैं और ये है भुआ का रूम तो करना ही पड़ेगा आपको पता है हमने गाड़ी इससे यहाँ से थोड़ी सी आगे पार्क की थी और यहाँ मंदिर के जस्ट सामने ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जगत गुरु कृपालु धाम है ये के लिए निकल गए हैं तो अभी बीच बीच में कुछ जो स्पेशल प्लेस है यहाँ के वो मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग भी अंदर नहीं जाने वाले हैं बाहर से ही देखेंगे तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ तो चलते हैं देखते हैं प्रियकांत जू मंदिर प्रियकांत जू मंदिर है ये है ना प्रियकांत ओ वाह देखो भाग गया
कमल के फूल पे बना हुआ है ये लोटस पे मंदिर। देव की नंदन जी महाराज बोल रही है ना, फोटो लग रही है, लोटस पे बना हुआ है, बता दो। बता दिया ना, चलो चलो चलते जाओ, रुको बंद है ये मंदिर भी है ना, इनका टाइम होता है खुलने का। चलते पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर में। ये भी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि कितनी सुंदर यहाँ पे माता की फोटो बना रखी है इन्होंने। ये माता रानी के साथ हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, देख लिया ना भाग्य? तो कितनी बार देखूं? दोबारा देख लो, 3 बार 4 बार 5 6 7 कम से कम लाख बार देख। तो अभी और चलते हैं आगे, अब और कुछ थोड़ी है ना। ये देखिए गाइस, ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर है और आप नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। खुला है क्या? बंद है। ये भी बंद है। घर पहुंच चुके हैं, घर बस पहुंचने ही वाले हैं। उससे पहले सोचा कि ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो आज की यात्रा हमारी बहुत सफल रही। जरूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब डाउन एंड कमेंट डाउन। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में वापस से आपके लिए कुछ अच्छा जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अलवर का मौसम कितना खराब हुआ हुआ है। आज हम बहुत अच्छी तरह से, सफर हमारा अच्छा रहा और अब घर पहुंच जाएंगे। आज की इस तीर्थ यात्रा बिल्कुल सफल रही, आनंद आ गया। महाराज जी के दर्शन करके हमको बहुत आनंद आया, सारे सुख मिल गए जैसे उनके चरणों में जाके।